धौलपुर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सागरपाड़ा चौकी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध ट्रक को रोककर उसकी जांच की, जिसमें पुलिस को मुरादनगर आयुध डिपो से भरे गए गोला बारूद के खाली खोखे और परचून का सामान बरामद हुआ। ट्रक में आयुध से जुड़ा सामान मिलने पर चौकी प्रभारी प्रद्युम्न सिंह ने मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी। वहीं ये सामान मिलने पर मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर चेतन चौहान ने ट्रक को जब्त करने के आदेश दिए। सेलटेक्स अधिकारी दूलीचंद मीणा ने बताया कि आयुध डिपो के अधिकारियों के सामने ट्रक से भरे सामान का भौतिक सत्यापन करवाया जा रहा है, जिसके बाद जो जुर्माना निकाला जाएगा उसे ट्रांसपोर्टर से वसूला जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।